Hello friends, I am here to discuss sociology as an optional from UPSC civil services point of view. I am welcome to Abhimanyu IAS, and I am Praveen Bansal, chief mentor Abhimanyu IAS as well as your faculty for sociology optional, right? And I am here to discuss certain key points of sociology optional which may help you to decide whether you wish to keep it or not, right? और दोनों ही पक्ष जानने जरूरी हैं कि आप क्यों इसको रखें और क्यों ना रखें. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है सिविल सर्विसेज में, बिकॉज और सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे आप तभी आगे सक्सेस आपको मिल पाएगी, राइट? तो जब व्हेन वी टॉक ऑफ सोशियोलॉजी, देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी. वट एवर इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी बिकम्स योर सब्जेक्ट मैटर. एज अ मेम्बर ऑफ सोसाइटी वी विटनेस, वी टेक पार्ट इन फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम विटनेस करते हैं एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी, और सोशियोलॉजी का टास्क इन सब चीज़ों को स्टडी करने का है, राइट? मैं सिलेबस के ऊपर बाद में दो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, पेपर वन पे और पेपर टू में, कि क्या सिलेबस है प्लस कौन से की चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर. बट टूडेज माई कंसर्न इज़ टू डिस्कस कि आप सोशियोलॉजी क्यों रखें और क्यों ना रखें. In what way it can suit you and in what way it cannot suit you. You should keep a optional on the basis of right facts rather than getting swayed by any person ki is optional se aisa ho jayega, waisa ho jayega, itne number aa jayenge, waise number aa jayenge. We are not into that. Dekhiye kuch important baatein jo sociology ki hain jo aapko dhyan rakhni hai. Sabse pehle sociology ka syllabus jo hai wo comparatively chhota mana jata hai, theek hai na? Although as a person I am not after short or lengthy syllabus, because ultimately for me important thing is marks, ultimate number aane chahiye, hai na? But ek fact generally log aapko kahenge ki iska syllabus chota hai. Paper 1 ke andar 10 chapters hain sirf, aur paper 2 ke andar 15 chapters hain. 25 chapters aapke syllabus mein total hain, theek hai? Lekin this is one fact, lekin more agar main in depth fact bataun aapko, to aap laga ke lijiye is 25 mein se kareeb 10 se 12 chapters aise hain जिसमें से 80% से ज़्यादा पेपर आता है. ये सोशियोलॉजी की खास बात है कि अगर 10-12 चैप्टर आपके पक्के अच्छे से तैयार हो गए तो आप उसमें 70-80% पेपर उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो आप. मतलब अगर आप 5 चैप्टर पेपर 1 में कर गए और 7 चैप्टर पेपर 2 में कर गए, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि 80% आपका एग्जाम में सिलेबस कवर हो जाता है. नो, दिस एक्चुअली हेल्प्स यू टू फोकस मोर. मतलब आपको फोकस करने में हेल्प करेगा, मतलब इन द सेंस कि आप सारे सब कुछ बहुत अच्छे से करने की बजाय आप सिलेबस सारा कवर करोगे, लेकिन अगर आपको वक्त मिले तो आप किस में अच्छा ज़्यादा और परफॉर्म करना चाहोगे, वो आपको एक एडवांटेज सोशियोलॉजी में मिल जाता है, राइट? एज अ टीचर सी दिस थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी रादर देन कि सिलेबस कम है या ज़्यादा है, कि वेदर किसी सब्जेक्ट में फोकसिंग पॉसिबल है कि आपको सब कुछ ही करना पड़ रहा है. तो ये थोड़ा सा एक एलिमेंट रहता है, और हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग से स्ट्रेटजी होती है इसके रिलेटिंग. अब सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मेरे लिए है वो है कि इसका जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, दैट इज स्पेसिफाइड वेरी क्लियरली. ये एक खास बात है एज अ टीचर जो मुझे इफेक्ट करती है, और एज अ स्टूडेंट आपको भी ये फैक्ट ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज सोशियोलॉजी के अंदर क्या है, इन सोशियोलॉजी बेसिकली आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल थिंकर्स दिए हैं सिलेबस में, तो दे हैव स्पेसिफाइड कि ये 6 थिंकर आपके सिलेबस में हैं, राइट? अब 6 थिंकर आपके सिलेबस में है, लेकिन मोर देन दैट, विद इन एवरी थिंकर इट इज स्पेसिफाइड कि इस थिंकर के आपको ये 3 टॉपिक करने हैं, इस थिंकर के आपको ये 2 टॉपिक करने हैं. और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, उससे बाहर नहीं आते. दिस इज वेरी क्लियर, ये बिल्कुल एक साफ एंड स्पष्ट बात है जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली. ऐसे ही डिफरेंट चैप्टर्स में टॉपिक्स आर स्पेसिफाइड कि हाँ, ये अगर फैमिली कर रहे हो आप तो फैमिली के अंदर ये 6 टॉपिक्स हैं. अदरवाइज तो बहुत कुछ हो जाता है फैमिली के अंदर, एवरीथिंग कैन बी, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. बट लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इसमें सिलेबस स्पेसिफाइड है. एंड थर्ड थिंग इज कि सोशियोलॉजी समझनी मुश्किल नहीं है. सोशियोलॉजी जो है इट कैन बी अंडरस्टूड ईजिली. डेफिनेटली हर सब्जेक्ट का अपना एक ऑरा होता है, अपना एक सब्जेक्ट मैटर होता है, लेकिन सोशियोलॉजी क्या है, बिकॉज यू आर लिविंग इन सोसाइटी, यू आर इंट्रोड्यूस टू वेरियस कॉन्सेप्ट्स विच यू विल बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो दैट मेक्स यू कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक ऑफ
कि मैं फंक्शंस ऑफ फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा है कि हाँ फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, या मैं फंक्शंस ऑफ रिलीजन की बात कर रहा हूँ, या एक मैं कहता हूँ कि रिलीजन क्यों एग्जिस्टेंस में आया, तो डेफिनेटली इट इंट्रीग्स यू, इट मेजमराइजेज यू कि हाँ मुझे ये जानने को मिल रहा है कि ये रिलीजन कैसे एग्जिस्टेंस में आता है ना, या ये जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती है एज अ मेम्बर ऑफ सोसाइटी। तो ये बातें जो हैं वो आप इजिली आप रिमेंबर और समझ सकते हो इन सोशोलॉजी। एंड सेकेंडली इसी एक जब ऐसी बातें होती हैं तो कई बातें आपको पता हैं, एंड एग्ज़ाम में भी अगर आपको आप ये बातें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू कैन ऑलवेज राइट समथिंग इन द एग्जामिनेशन, यू कैन ऑलवेज राइट समथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख पाओगे। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो सोशोलॉजी में आपको हेल्प करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देर आर सर्टन थिंग्स जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू सेलेक्ट अ ऑप्शनल। देखिए सोशियोलॉजी एक टिपिकली ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है ना, आंसर्स हैव टू बी रिटर्न सब्जेक्टिवली, मतलब ऐसे टाइप आंसर्स होंगे इसके अंदर, राइट। आपको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, यू शुड लव राइटिंग, यू शुड लर्न टू राइट, आपको लिखना लिखने की आदत होनी चाहिए इस ऑप्शनल में। अब जो बच्चा बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखने से डरता है तो उसके लिए ऑप्शनल नहीं है ये। देखिए पेपर में आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, आइदर यू गेट अ क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स जिसके अंदर आपको 150 वर्ड्स प्लस लिखने हैं, और या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें अराउंड 300 प्लस वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इतना लिखना आपका एट अ स्ट्रेच आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। एंड सेकेंडली देखिए ये एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, इसके अंदर वो जो कहते हैं मगिंग अप या घोटा हम कह देते हैं, या एक्सेसिव मेमोराइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। यू हैव टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कि बातें क्या कहनी चाह रही है। अल्टीमेटली कोई भी थिंकर करते हो या कोई भी टॉपिक करते हो, बातें कुछ ही होती हैं, कीवर्ड्स की पॉइंट्स कुछ ही होते हैं, उनको समझना होता है कि उसका मतलब क्या है बेसिकली, है ना। मतलब आपको समझ आ गया तो देन यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, राइट। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट में होनी ज़रूरी है, राइट। और एक एनालिटिकल अप्रोच है, आपको लॉजिकली लिखना है, राइट। सपोज समबडी आस्क यू क्वेश्चन कि हाउ फंडामेंटलिज्म हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंडियन सोसाइटी, या हाउ इट इज़ इंडियन डिस्कस विद रेफरेंस टू रिसेंट ट्रेंड्स, कि फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसीज कैसे आ रही हैं। अब आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि हाँ इसमें मैंने किस एंगल से और किस स्ट्रक्चर में आंसर को लिखना है। स्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी, कि यू हैव व्हेनेवर यू राइट, यू आर राइटिंग आंसर, यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, एंड दैट इज़ द एम्फोसिस इन अवर क्लासेज, कि टू ट्रेन यू हाउ टू राइट इन स्ट्रक्चर, हाउ टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड अ टॉपिक, राइट। और सबसे बड़ा चैलेंज जो सोशियोलॉजी में है वो स्टडी मटेरियल का है। सोशियोलॉजी में जैसे डिफरेंट ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में नॉर्मल प्रॉब्लम आती है कि आपको सिलेबस यूपीएससी ने दिया हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स कई बार नहीं मिलती, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स नहीं मिलती, मतलब अगर आप बुक्स रेफर करने जाओ तो देर आर सो मेनी बुक्स विच कैन बी रेफर फॉर डिफरेंट चैप्टर्स। डेफिनेटली जो कंपाइल्ड टेक्स्ट होती हैं वो दे आर नॉट ऑफ मच यूज़। तो सोशियोलॉजी में अगर आप सपोज सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो यही चैलेंज एक आता है कि आप कौन सी स्पेसिफिक बुक्स पढ़ो, बुक लिस्ट पढ़ो, है ना। तो बुक लिस्ट इसमें एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू रिलाई मोर ऑन लेक्चर्स एंड नोट्स एंड स्टडी मटेरियल ओनली रादर देन गोइंग इन फॉर बुक्स। अगर बुक्स भी देते हैं तो स्पेसिफिक आर्टिकल्स हम रिकमेंड करते हैं कि आप इन बुक्स में से ये स्पेसिफिक आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। सो दैट इज़ दी एक्चुअल थिंग विच मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट कि आप ये ऑप्शन रखो या ना रखो, राइट। आप ये एज सच पूरा ऑप्शनल 3 to 4 मंथ्स की ड्यूरेशन में तैयार कर सकते हो अलॉन्ग विद कोचिंग डेफिनेटली। अगर आप सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो 6 to 8 मंथ्स का आप टाइम स्पेंड लेके चलोगे इसमें, बट इन कोचिंग 3 to 4 मंथ्स वी मैनेज अलॉन्ग विद टेस्ट्स एंड एवरीथिंग, राइटिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग। तो इतना टाइम आपके पास होना चाहिए अगर आप ऑप्शनल तैयार करते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप इफ आर गोइंग इन फॉर द नेक्स्ट ईयर, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एनी ऑप्शनल, चाहे आप सोशियोलॉजी रखो चाहे कोई भी रखो, बट दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द लास्ट कॉल इन अ वे, है ना। दिस इज लास्ट कॉल इन अ वे कि हाँ अब अगस्त आ गया है, अगस्त एंड आ गया है, अब नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए टाइम हैज़ गॉन, राइट। तो सो दैट इज़ द आइडिया। तो ये आप कोई भी क्वेश्चन आपको इस बारे में हो तो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन कॉमेंट्स एंड आई विल आंसर दैट। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स लिंक भी दिए हुए हैं हमारे, एंड यू कैन गो इन फॉर ट्रायल्स ऑल्सो टू सी वट काइंड ऑफ ऑप्शनल इट इज़। तो ये एक कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहता था, बट अल्टीमेटली आपको कोई भी ऑप्शन आप रखो तो एक बात आपको ध्यान रखना है एज अ चीफ मेंटर, दिस इज़ माई एडवाइस,
कि बेसिकली आप यू शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स ओनली वन थिंग व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. आपको ये देखना है क्या इसमें मैं नंबर ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य आपके पढ़ने का उद्देश्य एक ही है कि मुझे इस ऑप्शन में नंबर लेने हैं, है ना. और मार्क्स, सिलेबस छोटा है, बड़ा है, ईजी है, डिफ़िकल्ट है, ये सब बातें अल्टीमेटली साइड पर रह जाती हैं. और अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या मेरे मार्क्स आएंगे. मार्क्स तभी आएंगे यूपीएससी में अगर अच्छा लिखोगे, अच्छा पढ़ोगे और समझ के लिखोगे, क्वेश्चन को समझ के लिखोगे, नंबर तभी आने हैं. एंड इन यूपीएससी व्हेन यू सिलेक्ट अ मेंटर, आप कोई भी टीचर सेलेक्ट करते हो तो आपका कंसर्न एक ही रहना चाहिए कि क्या ये मेंटर मुझे नंबर दिला सकता है, मतलब नंबर दिलाने में हेल्प कर सकता है. दिलाना तो किसने होता है, क्या ये नंबर दिलाने में मुझे हेल्प कर सकता है कि यस मुझे इतना कैपेबल बना सकता है कि यस आई कैन स्कोर मार्क्स इन यूपीएससी. सो दैट इज़ अवर मेन फोकस एंड दैट इज़ वाई पीपल स्कोर मार्क्स इन सोशियोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज फोकस हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि यस आई एम हेयर टू गेट मार्क्स. ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच. आई विल वेलकम एनी ऑफ योर क्वेरी रिगार्डिंग दिस ऑप्शनल और इवन अबाउट एनी अदर ऑप्शनल ऑल्सो. एज अ मेंटर आई विल गाइड यू ऑब्जेक्टिवली कि आप क्या डिसीजन आपको बैलेंस लेना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.